आपने आज मुझे बोलने का अवसर दिया। सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत देश को संविधान दिया और संविधान में बहुत सारे मूल अधिकार दिए और मूल अधिकारों में शहर और गांव में कोई फर्क नहीं किया गया। लेकिन जब शहर की सुविधाओं को देखते हैं और गांव की सुविधाओं को देखते हैं तो बहुत सारा फर्क दिखाई देता है। एक समय था जब 80% आबादी भारत की गांवों में बसती थी और सही मायने की बात करें तो भारत की आत्मा आज भी गांवों में बसती है। गांव का आदमी आज भी शहर के आदमी के बजाय ज्यादा मददगार साबित होता है। चाहे आप किसी भी गांव को उठा के देख लें, राजस्थान की धरती के किसी भी शहर को उठा के देख लें, फिर किसी भी विभाग की जो सुविधाएं हैं वो शहर तक ज्यादा पहुंचती हैं, गांव पहुंचने में उसे समय लग जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सदन के मुखिया सभी सदन के सदस्यों की ओर से 8 करोड़ की जनता की ओर से ये निवेदन करना चाहता हूं कि गांव के विकास की शुरुआत शहर से ना होकर के गांव से शुरुआत होगी तो बहुत ज्यादा सुंदर प्रतीत होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि समाज का या सरकार का नेतृत्व चाहे विद्या बल से प्राप्त हुआ हो चाहे बाहुबल से प्राप्त हुआ हो लेकिन शक्ति का आधार तो आखिर जनता ही है। पुराने जमाने में जब राजा महाराजा हुआ करते थे बाहुबल के आधार पर राज करने का काम किया था लेकिन उनके लिए भी सेना में जो लोग उनके सैनिक थे उन राजाओं के प्रति समर्पित रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं जिस राजा के पास अधिक सेना होती थी उसको राज करने का अवसर ज्यादा दिनों तक मिलता था। उस समय में भी बहुत सारे राजा ऐसे हुए जिन्होंने बेहतर काम करने का काम किया। मैं ये कहना चाहता हूं आज जो सरकारें बनती हैं वो जनता के बहुमत के आधार पर बनती हैं तो मैं तो आग्रह यही करना चाहता हूं उस गांव में बसी हुई जनता का हम सबको चिंता करने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने यह भी कहा था कि भारत का यथार्थ गांव में बसता है, यानी वो जो झोंपड़ी में बसता है जब तक उसकी प्रगति नहीं होगी जब तक देश की उन्नति का सपना नहीं देखा जा सकता। साथ के साथ ही मैं ये निवेदन करना चाहता हूं जिस राष्ट्र में बुद्धि का और विद्या का अधिक प्रसार होगा उतना ही उस राष्ट्र की उन्नति ज्यादा होगी। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वराज का नारा दिया था और ग्राम स्वराज के पीछे उनका मकसद था गांव के लोगों का गांव में बैठकर चौपाल पर बैठकर काम हो। उसी का परिणाम था कि त्रिस्तरीय पंचायत राज सिस्टम, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ये 3 पायदानों के माध्यम से सरकार ने गांव के विकास की चिंता की। साथ के साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं जो ग्राम स्वराज का नारा था उसको साकार करने के लिए चाहे सरकारें कोई भी रही हो उन्होंने प्रयास किए हैं लेकिन मैं आग्रह करना चाहता हूं शहर में 24 घंटा लाइट आती है तो गांव में क्यों नहीं आती? गांव में लाइट को क्यों काटा जाता है? क्या गांव का किसान बिल नहीं भरता? क्या शहर का किसान, शहर का व्यापारी या शहर का रहने वाला व्यक्ति क्या ज्यादा बिल भरता है क्या? मैं सभी चीजों के माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाया, चाहे पट्टे की बात हो, चाहे दबे हुए अतिक्रमण के रास्ते हो, चाहे चरागाहों से रास्ते हो, चाहे सरकारी संस्थाओं के भूमि आवंटन की बात हो। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं आप ऊर्जावान मंत्री हैं आदरणीय रमेश जी और आप जिस तरह से आपने ये पदभार ग्रहण किया है जिस प्रगति से जिस तेजी से आप काम कर रहे हैं बधाई के पात्र हैं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में जिस तरह से प्रशासन गांवों के संग कितने पट्टे जारी किए गए, कितने पट्टे अभी पेंडिंग हैं,
कई बार स्थिति ऐसी होती है कि सरपंच अपने अपने पक्ष के लोगों को पट्टा जारी कर देता है और साइन करके प्रगति के लिए दिखा देता है। मैं आग्रह करना चाहता हूं, जितना उन्होंने प्रशासन गाँव के संग पट्टों की संख्या भेजी है, और अगर मान लो वहाँ पट्टे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले हैं तो उनकी जांच कराने की मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। ये पूरे राजस्थान में ही है, अकेले महुआ विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। साथ के साथ ही कुछ उपखंड अधिकारी चाहे पूरे राजस्थान लेवल पर ये प्रॉब्लम है। उन रास्तों को जिन रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में काटना चाहिए वो काट नहीं पा रहे हैं, बहुत लंबा समय हो गया। और रूपाराम जी ने ठीक कहा है कि अगर उस पर ग्रेवल सड़क बना देते हैं हम इस सीजन में, इस साल 2022 में, तो जहां हमारी 30 लाख रुपया पर किलोमीटर हमारी डामर सड़क बनाने में लगेगा, वो 15 से 16 लाख रुपए में हमारी डामर सड़क तैयार हो जाएगी। यानी डामर सड़क की जो किलोमीटर है वो डबल बढ़ जाएंगे, और नरेगा का पैसा भारत सरकार से जो आता है उसका सदुपयोग हो जाएगा। कुछ अगर विधायक कोटे से भी लेने की आवश्यकता होगी तो वो भी लिया जा सकेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस विषय पर भी बात देने की, ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मंत्री महोदय से कि आपने पंचायत राज का गठन किया, मेरी विधानसभा क्षेत्र की 3 ग्राम पंचायत, सरकार ये कहती है और चाहती भी है कि किसान की झोंपड़ी के पास, किसान के गांव के पास कम से कम दूरी में उसको सरकारी कार्यालय मिले। लेकिन हमारी यहाँ विधानसभा क्षेत्र की महुआ पंचायत समिति में टुडियाणा, गगवाणा और बालाहेड़ी 3 ग्राम पंचायतों को जो कि महुआ से मात्र 4 किलोमीटर दूर है उनको हटा करके दूसरी पंचायत समिति में 25 किलोमीटर दूर जोड़ दिया। उन वहां के सभी मतदाताओं ने फैसला लिया है कि पंचायत राज में चाहे जिला परिषद के चुनाव हो, चाहे सरपंच के चुनाव हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य के चुनाव हो, तीनों चुनावों में तीनों ग्राम पंचायतों ने पुरजोर तरीके से बहिष्कार कर दिया है, और आने वाली विधानसभा और लोकसभा में भी वो बहिष्कार करेंगे। मैं इस बात के लिए माननीय मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ये गगवाणा, टुडियाणा और बालेड़ी तीनों पंचायतों को हटा करके और इनको महुआ पंचायत समिति में जोड़ा जाएगा तो बहुत बेहतर होगा, आपका बहुत एहसान होगा। वहाँ के लोग परेशान हैं बेचारे, उनको उनकी बात को सुनने की आवश्यकता है। और मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, राजस्थान की इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नए जिले बनाने की बात कही है, मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ आसपास टोडा भीम, वैर, कठुमर, लक्ष्मणगढ़, रेणी, मंडावर और महुआ सहित ये 5-7 उपखंड कार्यालय हैं। इन उपखंड कार्यालयों को मिला करके सेंट्रल में महुआ पड़ता है। मैं पुरजोर शब्दों में सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि महुआ को जिला बनाया जाए ताकि हमारा और विकास हो सके। आपने बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सर समाज।